नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है सीएसआर नेट जून 2011। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये और हम इसको यूनिक मेथड से करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। लेट ए आई जे इज इक्वल टू ए आई इंटू ए जे, और जो आई और जे है वो वन से और एन तक वेरी करते हैं, और ये ए वन से लेकर के ए एन तक सारे रियल नंबर हैं, और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन ये हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इट इज पॉसिबल टू चूज ए वन डॉट डॉट ए एन सो एज टू मेक द मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर। सेकंड ऑप्शन द मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ ए वन डॉट डॉट ए एन इज ए नॉन जीरो वेक्टर। थर्ड ऑप्शन द मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट फॉर ऑल ए वन डॉट डॉट ए एन। एंड फोर्थ ऑप्शन फॉर ऑल ए वन डॉट डॉट ए एन जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सिर्फ जो मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने एक डिफरेंट टेक्निक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे जो मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट हैं, अगर यहाँ ए आई जे है तो ए आई इंटू ए जे इस फॉर्म की है। तो अगर हम यहाँ क्या लिखते हैं, ए वन वन लिखते हैं, यहाँ ए वन टू लिखते हैं, यहाँ ए टू वन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए वन वन का मतलब ए वन इंटू ए वन यानी कि ए वन का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है ए वन ए, और इसका मतलब क्या है ए टू ए। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा ए वन ए, ऐसे ही ए टू यहाँ क्या जाएगा ए टू टू, तो ए टू टू का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए टू ए, और एट लास्ट यहाँ क्या हो जाएगा ए एन ए वन ए एन ए टू एंड सो ए एन सी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स की हमने क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, कि इसमें क्या है ए वन कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें ए टू कॉमन है, इसमें ए एन कॉमन है, या ऐसे देखें इसमें ए वन कॉमन है, इसमें ए टू कॉमन है, इसमें ए थ्री कॉमन है, और ये हम क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम है, मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो इसको हम डीकम्पोज कर लेते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म। तो ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ये भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और ये भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स। तो क्या कर लेते हैं हम इसमें ए वन जीरो डॉट डॉट जीरो जीरो ए टू डॉट डॉट जीरो और लास्ट में जीरो जीरो डॉट डॉट और ए, मीन्स हमने डायगोनल पे क्या कर लिया ए वन ए टू ए एन, और इनको हम लिख लेते हैं ए वन डॉट डॉट ए ए टू डॉट डॉट ए, और लास्ट में क्या हो जाएगा ए एन डॉट डॉट ए। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई अगर यहीं आ गई तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डीकंपोजिशन ये है। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करें, इससे करेंगे तो ए वन का स्क्वायर, अब इस रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो ए वन ए, और इसकी लास्ट कॉलम से करेंगे तो ये ए वन ए है। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स से हम आसानी से इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसमें डीकम्पोज होगी। अब इसके ऊपर स्टडी करनी है, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल लेते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ बी और इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ सी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ए है ये भी सी की फॉर्म में लिखी गई, तो इसका जो ए का जो रैंक हो जाएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी सी, और रैंक ऑफ बी सी क्या होता है मिनिमम हो जाता है, लेस देन मिनिमम
रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए सी, ये हो जाता है। अब हम यहां बात करें, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका तो पॉसिबल मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है, एन, इसका एन हो सकता है, तो ये लेस देन इक्वल टू मिनिमम, इसका तो हो गया है। और ये क्या है, क्योंकि ये जो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ये सब आइडेंटिकल है, तो ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी ये क्या है, वन रैंक मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक हो गया, और इसका हमने मिनिमम लेना है, तो इसका एन से एन का और वन का जो मिनिमम है वो क्या है, वन है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका रैंक जीरो तो हो नहीं सकता, इसका और ये लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रैंक क्या होगा, वन होगा। बस इसी से हम सारी बातें कर लेंगे कि हमारे जो मैट्रिक्स है, हमारी जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, अब क्योंकि इस मैट्रिक्स का रैंक वन है और ऑर्डर एन है, तो वन रैंक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो n माइनस, अगर अगर इसका ऑर्डर n है तो n माइनस वन आइगन वैल्यूज तो जीरो हो जाती हैं और एक आइगन वैल्यू ट्रेस के बराबर हो जाती है, तो n माइनस वन आइगन वैल्यूज तो क्या हो जाएगी, n माइनस आइगन वैल्यू तो होगी जीरो और एक आइगन वैल्यू ट्रेस के बराबर, ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ए वन का स्क्वायर है प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस एन टू प्लस ए एन का स्क्वायर, और ये क्या है, पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन क्या है, इट इज पॉसिबल टू चूज ए वन डॉट डॉट ए एन सो एज टू मेक मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, हमने ए वन ए टू की कोई फिक्स वैल्यू नहीं रखी, जनरल ली है, तो हमारे पास जीरो इसकी आइगन वैल्यू आ गई, और किसी मैट्रिक्स की जीरो आइगन वैल्यू होती है तो मैट्रिक्स से सिंगुलर हो जाते हैं, तो नॉन सिंगुलर हम किसी भी हाल में नहीं बना पाएंगे, तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, द मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, अब पॉजिटिव डेफिनेट की बात कर रखी है, तो पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स की सारी जो आइगन वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, लेकिन इसमें आइगन वैल्यू एन माइनस वन तो जीरो आ गई, जो पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, सारी होनी चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। बात करें थर्ड ऑप्शन की, द मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट अग फॉर ऑल ए वन डॉट डॉट ए एन, तो सेमी डेफिनेट की क्या डेफिनेशन है कि जो आइगन वैल्यूज है या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, तो ये या तो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और बाकी सारे जीरो है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फोर्थ ऑप्शन को, फॉर ऑल ए वन डॉट डॉट ए एन जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो जीरो हमारी आइगन वैल्यू क्या है, जीरो आई है, एन माइनस वन आइगन वैल्यू जीरो है, तो जीरो इसकी आइगन वैल्यू है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।